नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य तेज न्यूज। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के पास सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और बढ़ते अपराध के खिलाफ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, महिलाओं की सुरक्षा की बात कही। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। तुम रोल करो यार। मैं कैलाश पटेल, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। आज हम लोग जो प्रदर्शन करने आए हैं जिला मुख्यालय पर, प्रदेश के अंदर महिलाओं, हमारी बच्चियों के साथ जो बलात्कार, उनका उत्पीड़न, उनके साथ छेड़खानी, इस तरह की घटनाएं आए दिन घट रही हैं। आप लखनऊ से लेकर के गोरखपुर, तमाम जनपदों में देखें, कई जनपदों में इस उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रशासन क्षमता है, हम समझते हैं कि शून्य हो चुकी है। इस सरकार के पास प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। इसलिए आज अपराधी जो छेड़खानी, बलात्कार और हत्याएं कर रहे हैं हमारी बहन बेटियों का, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज हर परिवार अपनी बेटी को घर से बाहर निकालने के लिए असुरक्षित महसूस कर रहा है, पल पल क्षण क्षण तिल तिल करके मर रहा है कि हमारी बहन, हमारी बेटी के साथ कहीं अपशगुन न हो जाए, बलात्कार जैसी घटनाएं न हो जाए, हत्या न हो जाए। इसी विषय को लेकर के आज हम यहाँ आम आदमी पार्टी के लोग, पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। हम यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देकर के मांग करना चाहते हैं कि ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए। साथ ही जो उत्पीड़न में हमारी बहन बेटियों ने अपने आत्मदाह किया, हत्याएं की या उनका हत्या कर दिया गया, उन परिवारों को मुआवजा दिया जाए। और इसमें लिप्त समस्त लोगों को, चाहे अधिकारी कर्मचारी हों या दोषी लोग हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी मांग के लिए हम यहाँ पर आए। कई बार ज्ञापन वगैरह हो चुका, अब आगे की रणनीति क्या है आम आदमी पार्टी की? देखिए, आगे की रणनीति अब आपको मैं सही सही बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो वास्तविक रणनीति है, क्योंकि जब भी गलत होगा तो हम आवाज़ तो बुलंद करते हैं, निश्चित करेंगे। इसलिए कि ये जो सरकार है, इतनी निर्लज्ज सरकार है, शायद इससे पहले अपने भारतवर्ष में इस तरह की कोई सरकार उत्तर प्रदेश में न आई हो। तो ये निर्लज्ज सरकार है, प्रदेश और केंद्र दोनों की ही। इसलिए हम जन आंदोलन के माध्यम से इनकी आवाज़ बन करके, इनके साथ खड़ा होकर के ये बताना चाहते हैं कि आने वाले कल में, जैसे दिल्ली में हम सरकार चला रहे हैं बिना पुलिस प्रशासन के, फिर भी वहाँ अंकुश है, और आने वाले कल में ज्यों ही किसी प्रदेश, स्वतंत्र प्रदेश सरकार हमारी बनती है, तो पुलिस हमारे हाथ में होगी। और मैं ये दिखाऊंगा कि अपराधी कैसे अपराध करने में सक्षम है। इसलिए पूरे देश को हम संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले कल में लोग हमें आत्मसात करें, स्वीकारें और सत्ता में लाएँ और अमन चैन के साथ जिंदगी जिए। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरा भारत अमन चैन और खुशहाली की जिंदगी जिए, इसी सोच के तहत यहाँ आए हुए हैं।